एयरपोर्ट में आया, हम लोग 8:30 को फ्लाइट था गुवाहाटी के लिए, तो वो बोलते मतलब अभी साइक्लोन के वजह से कैंसिल हो गया। कोई हमको मैसेज नहीं, मेल नहीं। हम सुबह 6 बजे से होटल से चेकआउट करके आया हुआ इधर। ये लोगों को बोलना चाहिए मैसेज मेल ड्रॉप कर दीजिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। कोई मैसेज ड्रॉप भी नहीं किया, मेल भी नहीं आया। अभी हम लोग परेशान हो रहे हैं। 2 दिन कहाँ घूमे, बोलते 28 तारीख से फ्लाइट मिलेगा नेक्स्ट फ्लाइट। और साइक्लोन वो तो जानते हैं, साइक्लोन के वजह हमारा सेफ्टी के लिए बंद किया, लेकिन कोई मैसेज दे दो, मेल करो। हम लोग बाहर से आए हुए ना, न्यूज देखते हैं ना, कि मोबाइल में जो आता है वही देखता है ना। तो वही कोई इंडिगो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं ले रहा है। बोले आप कंसेशन दे दीजिए, हमको होटल दे दीजिए, खाना दीजिए। कोई इसमें हाथ उठा दिया, अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लॉफुली तो है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हो। अभी वो लोग निकाल दिया, बोले आप बाहर निकालो, बाहर निकालो। आपका 28 तारीख को फाइल रिशेड्यूल करा दिया, कोई हमको पूछा भी नहीं, वो लोग डायरेक्ट करा दिया। ऐसे अलर्ट जारी किया है, सबको बोल रखा है कि किसी ने ना रहे, मछुआरा समुद्र में ना जाए, इतना 100% सिक्योरिटी ले ले, कोई ना रहे इधर। जब तक वो जो 23 तारीख से 27 तारीख तक वो बंद रहेगा, कोई नहीं जा सकता, वो स्ट्रिक्ट है। तो आप लोग भी यहाँ पर अलर्ट है? हाँ हाँ सब। हम गुवाहाटी से आए हुए हैं कोलकाता, और ड्यू टू से मेडिकल रीजन से आए थे, 40 में भी आए थे, और अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है गुवाहाटी में, आज ही हमें वापस जाना था। लेकिन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, क्योंकि साइक्लोन अभी बोला गया है आने वाला है या फिर अप्रोचिंग है, तो हम फ्लाई नहीं कर पाए। और उसका हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। हमारा 8:30 को फ्लाइट था और हम 6 o'clock से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई मेल ड्रॉप नहीं किया गया, कोई मैसेज नहीं है रजिस्टर्ड नंबर में। इंडिगो से ये एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली, क्योंकि हम बहुत बार इंडिगो से फ्लाई कर चुके हैं और हमेशा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बट दिस टाइम नॉट वर्थ इट। और हम आउटसाइडर्स हैं, यहाँ पे कोई एकोमोडेशन का नहीं है, और उन्होंने खुद से ही रीशेड्यूल कर दिया, वो भी 28 को आफ्टर 2 days। Yes, exact location is your 18.2 degree north and 89.7 degrees, and it is 420 kilometers south of Khepupara, 420 kilometers south-southeast of Sagar Island, and 460 kilometers south-southeast of Canning. And this system is very likely to continue to move nearly northward direction, northwards, and it is very likely to intensify into a cyclonic storm over your east central and adjoining north bay today itself, that is around today evening, 25th evening, and then again it is most likely to continue, most likely that it will continue to move further northward only, and it would intensify into a severe cyclonic storm by 26th May, that is tomorrow morning, and then it is likely to cross Bangladesh and adjoining West Bengal coast between Sagar Island and the Khepupara by 26 May midnight.